कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। ये टीका एक्सप्रेस 121 आज रवाना हुआ है, जो राज्य के विभिन्न शहरी केंद्रों में जाएगा और जो गली मोहल्ले होंगे उन मोहल्लों में जाएगा। कुल मिला के आप देखिएगा तो 839 गाड़ियां इस राज्य के अंदर टीका देने के लिए घूम रही है। टीके की उपलब्धता भी बढ़ेगी और हम पूरी तरीके से लोगों तक टीका पहुंचाएंगे। में कोरोना टीकाकरण अभियान को और ज्यादा तेज बना करने के लिए आज से पूरे प्रदेश में टीका वैन्स की शुरुआत की गई है और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी पटना के पुलिस मुख्यालय से, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हरी झंडी दिखाकर इन टीका वैन्स की जो है आज शुरुआत की है और पूरे राज्य के खासकर शहरी इलाकों में जो है ये वैन्स घर घर जाएंगे और जो टीकाकरण अभियान को है उसको और ज़्यादा जो है पुख्ता किया जाएगा। देख सकते हैं इन गाड़ियों में जो है नर्स जा रही हैं। आप लोग कहाँ कहाँ जाएंगे? आप देख सकते हैं बकायदा इन गाड़ियों में जो है नर्स की टीम है वो जा रही हैं, टीका लेके जा रही हैं ताकि शहरी इलाकों में जो है वो टीकाकरण अभियान को और ज़्यादा जो है वो तेज़ किया जा सके। देख सकते हैं कई गाड़ियां जो हैं इस तरीके की टीका वैन्स, इनको नाम दिया गया है, ये लगातार यहां पुलिस मुख्यालय से निकल रहे हैं और पूरे राज्य के शहरी इलाकों में खासकर जो है ये जाएंगे ताकि कोरोना के टीकाकरण अभियान को और ज्यादा तेज किया जा सके। टीका एक्सप्रेस की शुरुआत आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की है। सर, वैक्सीन की कमी है लेकिन अभी आप लोगों ने टीका एक्सप्रेस की शुरुआत की है, शहरी इलाकों में कैसे पहुंचाएंगे घर घर लोगों को वैक्सीन? नहीं, ये जो टीका एक्सप्रेस है, ये टीका एक्सप्रेस 121 आज रवाना हुआ है, जो राज्य के विभिन्न शहरी केंद्रों में जाएगा और जो गली मोहल्ले होंगे उन मोहल्लों में जाएगा। और आप देखे होंगे कि सब पे माइक्स लगे हुए हैं, तो माइक्स के माध्यम से कुछ गाने हैं, स्लोगन हैं, वो बजेंगे, जागरूकता के कुछ गीत हैं वो बजेंगे। लोगों को यह भी ध्यान में आएगा कि टीका देने वाली गाड़ी आई हुई है, तो यदि किसी को कुछ दूर चल के अस्पताल जाना पड़ता था तो वो नहीं जाना पड़ेगा, उनके नज़दीक हम टीका पहुंचाएंगे और सहजता बढ़े, उपलब्धता बढ़े, यही मुख्य उद्देश्य है। और 718 गाड़ियां ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार की घूम रही हैं और मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर यह जो टीका एक्सप्रेस गाड़ी है निश्चित रूप से अपने आप में एक उदाहरण होगा कि देश के अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार से हम लोग और करेंगे और इसका लाभ बिहार की जनता को मिलेगा। मुख्य तौर पर शहरी इलाकों में क्या इनको ले जाया जाएगा इन गाड़ियों को? शहरी इलाकों में 121 गाड़ियां गई, ग्रामीण क्षेत्रों में 718 गाड़ियां, तो कुल मिला के आप देखिएगा तो 839 गाड़ियां इस राज्य के अंदर टीका देने के लिए घूम रही है। सर, इसमें लेकिन वैक्सीन की कमी जो है 18 से 44 वालों को अभी भी कमी महसूस हो रही है, मिल नहीं पा रहा है, उसको कैसे? आपको तो मालूम है और जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ती जाती है हम लोग टीका देते जाते हैं, अभी फिर टीका उपलब्ध हुआ फिर टीका दे रहे हैं और केंद्र सरकार से भी हम लोगों को यह विश्वास मिला है और जो उत्पादक कंपनियां हैं अगले कुछ एक दिनों में उत्पादन और बढ़ने वाला है तो स्वाभाविक रूप से टीका अधिक मिलता जाएगा और हम लोग टीका करते जाएंगे। इसीलिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने पूरा तैयार कर लिया है कि टीके की उपलब्धता भी बढ़ेगी और हम पूरी तरीके से लोगों तक टीका पहुंचाएंगे। पटना एम्स में बच्चों के ऊपर भी कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है, ये आप लोग को लगता है एक महत्वपूर्ण कदम है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और आपको ध्यान में होगा कि इसकी अपेक्षा बहुत लोग कर रहे थे और निश्चित रूप से यह एक चिकित्सकीय वैज्ञानिक प्रक्रिया है, तो इस संबंध में जो चिकित्सक हैं वो विशेष तौर पे बच्चों पे निगरानी रखना, किन बच्चों पे ट्रायल करना, उसका पूरा शारीरिक स्थिति कैसी हो, इन सारे चीजों का अध्ययन करके ही करते हैं,
फिर टीका देने के बाद उसके बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, तो ये सारे काम किए जा रहे हैं। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जो पहला कोविड का टीका आना शुरू हुआ था उस समय भी पटना एम्स में ट्रायल शुरू हुआ था, देश के कुछ ही संस्थानों में ये ट्रायल हुए थे, और इस बार भी जब ये ट्रायल शुरू हुआ है तो पटना एम्स में हुआ है, ये बिहार के लिए अच्छी बात है। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे यहाँ जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से टीका एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है, खासकर शहरी इलाकों में जो है ये टीका एक्सप्रेस घूमेंगे और लोगों को जो है वैक्सीन घर घर तक पहुँचाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना।